What's up, people? Welcome to Social Sapa. आपके साथ मैं हूँ स्वाति, and today the guest we have in Social Sapa is somebody, मतलब जिसने हमें realize कराया कि हिंदी सिनेमा में हम miss क्या कर रहे थे हमारी heroines में, you know? So on a normal day where you see social medias of all the celebrities there, you know, they are doing their airport looks, they are talking about paparazzi. Here is a woman, you know, who speaks her mind, who not only just comes on social media to promote her movies, but she comes to talk about global issues, climate change, weather problems, deforestation, to closer home the scenario going on in our country, and calls a spade, please welcome the very gorgeous, feisty and extremely talented Richa Chadda! Thanks for that fantastic introduction. Thank you so much, Swati. Thank you. Madam Chief Minister is another movie which... You know, traditionally, कोई लिखेगा नहीं ये सोच के कि they'll not be the right person to do that role, you know. And I believe the director of the movie, he's a journalist, he's been a journalist himself. So tell us a little bit about the movie, Madam Chief Minister, which of course is like, we've been waiting for new movies, and for you also in the post the lockdown, it's a huge thing for the industry also. The movie's releasing. So let's talk about it. I am very happy कि हम theaters वापस से खुल गए हैं और हमें लोगों को entertain करने का मौका मिलेगा. इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब साल की शुरुआत अच्छी हो रही है. ये फिल्म भी पिछले साल आने वाली थी वैसे अगस्त में या कभी, तो अब हम कोरोना काल में ही इसे रिलीज़ कर रहे हैं. आई हैप्पी टू बी बैक टू डूइंग व्हाट वी लाइक टू डू, एंटरटेनिंग पीपल, मेकिंग देम थिंक. So tell us a little bit about the script, that the reason I believe that you were very very excited and you really found the script very very immediately, like, you know, ki ye main karungi types aisa kuch maine suna, aisa hua tha jab mili thi aapko script pehli baar. Let's just talk about it. मुझे स्क्रिप्ट पहले मिली नहीं, मुझे उन्होंने नरेशन दिया, उन्होंने मुझे बुला के नरेशन दिया बारे में बातचीत थोड़ा सा, तो मुझे लगा ये तो बहुत एक ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग मुझे पहले तब आई थी जब मैंने फुकरे की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जो अब भोली पंजाबन का जो इंट्रोडक्शन सीन था कि भोली चिड़िया नहीं चील है, कॉफिन में आखिरी कील है. तो मैं उस टाइम पे सोचती थी कि क्या ये कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर मैंने हिंदी फिल्म में किसी लड़की के लिए नहीं देखा. और मुझे सेम वैसी ही फीलिंग ये स्क्रिप्ट सुन के आई कि जो इसका इंट्रोडक्शन सीन है, उसने कान में हेडफोन लगाए हुए, हवा चल रही है, वो बाइक चला रही है और बाइक चलाते चलाते खेत खलिहान से अपने नौकरी पे जा रही है जहाँ वो लाइब्रेरियन का काम करती है. तो मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे लगा कि ऐसा कैरेक्टर पहले नहीं किसी ने सोचा. और फिर जैसे वो आगे नरेट करते गए तो मुझे लगा कहानी में इतने उतार चढ़ाव हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेगा कि अरे मैंने एक बार न्यूज़ में कभी देखा है कि इलेक्शन हो गए तो कर्नाटका के MLAs रिजॉर्ट में बंद हैं, कोई फ्लाइट से उनको कहीं लेके जा रहा है. तो इस तरह की चीज़ें जब मैंने कभी, मुझे लगा बहुत एंटरटेनिंग है और ये सारी न्यूज़ हम देखते आए हैं. इसलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ मिलेगा करने के लिए. All right, so we are going to quickly play the rapid fire round now, okay? And we are going to let you choose Ready. And give quick answers. फटाफट से एक ऐसा DM जो आपको बिल्कुल याद हो, जो आया हो, जो लास्ट आपने चेक किया आपके पास. Hi madam, I need money for kidney surgery. Oh my God. मुझे एक दिन रैंडमली ट्विटर पे, आप देख नहीं पाते आपको कौन कौन फॉलो कर रहा है, तो एक दिन रैंडमली मैं सुबह उठी और मुझे DM आया हुआ था टिम फेरिस से, द यू नो आइकॉनिक मेंटोर एंड सेल्फ हेल्प सॉर्ट ऑफ इवेंजलिस्ट. उनका DM आया था कि वो मुझे अपनी किताब में फीचर करना चाहते हैं, जो एंथोलॉजी लिख रहे थे ट्राइब ऑफ मेंटोर्स. तो मैंने भी उसमें एक चैप्टर लिख दिया और मुझे यकीन ही नहीं हुआ. पहले मैंने दो तीन बार चेक किया कि वही है, उनका हैंडल वेरीफाइड है, फिर मैंने देखा वो मुझे फॉलो करते हैं. तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग. दिस इज अ न्यू थिंग, आई डिड नॉट नो दैट यू हैव डन दिस आल्सो. दैट्स क्रेजी, दैट्स ऑसम. आई मीन नेक्स्ट वन इज वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट पीपल जनरली व्हिच टिक्स यू ऑफ. इट्स माय ऑब्जर्वेशन. आजकल हम किसी से भी बात करते हैं ना, तो हमें ये हो जाता है कि हम अपने पॉइंट पे अड़ जाते हैं एंड वी डोंट वांट टू, वी वांट टू विन एंड वी वांट टू बी राइट. और ये जो चीज़ है ना, इससे दुनिया का बहुत नुकसान होना. तो ये आई थिंक बतौर इंसान हम लोगों को एक दूसरे की बात ज़्यादा सुननी चाहिए, एक दूसरे की परेशानियाँ समझनी चाहिए, चाहे औरतों और आदमियों की बात हो, चाहे कास्ट की बात हो, चाहे अलग अलग धर्मों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो. ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि ये हमारी जो सिविलाइजेशन है
और अब एक ऐसे कगार पे खड़ी है कि सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से. Rich and say, of course, like we always keep doing that to ourselves. Okay, the next one is the one person just got me social media game thoda up karne ki zarurat hai. He or she needs to do better on the social media platform. Social media platform. I don't know. It's not about upping their game, but I am very fascinated about this performer who I think has a gift. Mujhe wo bahut gifted. बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं. मैंने शायद ही किसी को लाइफ में मैंने इतनी ओपनली जाके बोला जो मैंने उनको. मैं एक बार रणबीर कपूर से न्यूयॉर्क में टकरा गई थी तो मैंने उनको तब कहा था कि यू आर गिफ्टेड, यू नो यू हैव अ गिफ्ट. और वो मैंने उनका गाना देखा था गलती से मिस्टेक, उसके बाद आई वॉज ब्लोन बिकॉज सो एफर्टलेस, सो नेचुरल, सो फनी. और लोग कहते हैं ही इज़ नॉट बीन हैविंग अ गुड रन ऑफ लेट वगैरह वगैरह. तो मुझे लगता है कि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगते हैं बतौर परफॉर्मर, और मैं ज़रूर उनको चाहूँगी कि वो सोशल मीडिया पे आए. उनकी पार्टनर भी सोशल मीडिया पे हैं, वो चर्चा में तो वैसे भी रहते हैं. और मैंने सुना है वो कोवर्ट अकाउंट चलाते हैं, बट आई वुड लव टू सी, आई वुड लव टू गेट अ पीक इनटू हिज लाइफ. Out of all the roles, so many roles you've done, all of them are so, you know, iconic. Which is your favorite till date, if I ask you? I've been very attached to Devi from Masaan. Because she was so quiet and so rebellious but so strong. अपने मतलब जिसे कहते हैं ना, वो बहुत बेबस थी पर वो बिल्कुल बेजुबान नहीं थी. जहाँ भी उसको मौका लगा उसने दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की. उसको कभी गिल्ट नहीं हुआ कि मैं अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए मैंने जो किया. उसको ग्रीफ जरूर था पर उसको गिल्ट नहीं था. तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर था. चूज वन, शकीला, शकीला और मैडम चीफ मिनिस्टर. मैडम चीफ मिनिस्टर. ओके, नेक्स्ट वन इज वरुण और मंजोत. नेक्स्ट मूवी किसके साथ करोगे पहले? दोनों के साथ, दोनों ही आ रहे हैं ना फुकरे में. बट अगर अगर किसी एक को चूज करना पड़े, चूज वन, इफ दे आर नॉट फेयर यू टू चूज वन, वरुण और मंजोत. चूचा, ऑब्वियसली भोली लव्स चूचा, भोली चूचा फॉरएवर. लवली, फेयर एनफ. इंस्टाग्राम और ट्विटर? दो आई हैव अ फीलिंग आई नो यू विल प्रोबब्ली गो टुवर्ड्स ट्विटर. आई डोंट नो, आई थिंक यू प्रोबब्ली एंजॉय दैट मोर. I enjoy it for in the information it gives me, but अगर मैं उसको कई बार न्यूज़ की तरह ही देखती हूँ तो मेरे लिए ट्विटर कोई ऐप नहीं हो जाता. बट इंस्टाग्राम डेफिनेटली इज वेरी एंटरटेनिंग. और अब तो वो रील्स आ गए हैं तो बहुत मजा आता है बड़े अडल्ट्स को चिकानी चीजें करते हुए देख के. ओके, सो इफ आई आस्क कि कोई एक ऐसा रूमर यू वांट अबाउट यू टू बी वायरल व्हेन यू वेक अप नेक्स्ट डे, वो कौन सा होगा? ओह, दैट वुड बी, I want a rumor ki Barack Obama is seeking advice from me. Wow. Have you ever been in a case of mistaken identity, Richa? Yeah, it was very bizarre. I was on a flight from Bombay to Chandigarh for going for an event. Aur ek bahut naami girami Punjabi comedian hai. अब ज़्यादा नज़र नहीं आते, उनका नाम मैं भूल रही हूँ. ही थॉट आई वॉज यामी गौतम एंड आई वॉज वेरी पजल्ड बिकॉज वी डोंट लुक एट ऑल सिमिलर. पर उन्होंने मुझसे चार मिनट बात की, बोलते आपके डैडी कैसे हैं, मैं गया था मोहाली उनसे मिलने, ऐसा कुछ बोलते गए. फिर मुझे लगा कि सर आपको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन, तो फिर मैं उनको करेक्ट किया. बिफोर आई एंड दिस आई जस्ट वांट यू टू गिव मी वो जो लाइन नहीं है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. एक बार हम वो आपसे सुनेंगे इन लाइक डॉली की आवाज में फ्रॉम ओ लकी लकी ओ, एंड देन वी विल गेट यू टू से इट इन द भूली पंजाबन टोन फ्रॉम फुकरे. ओके, आई से इट्स लाइक भूली, आई थिंक मोर रीसेंट. मैं तुझे कह रही हूँ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, समझा? Zabardast. Thank you so much, Richa, for taking your time and being such an amazing sport for answering all our questions and being so chill and just sending those vibes across to all of us. Thank you. Bye. Thank you so much. Take care. 93.5 FM. 93.5. Bajate raho.